हज़बिल्लिन बिस्मिल्लम रहीम हेलो बियर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हैंडलिंग फ्रस्ट्रेशन और एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन इज़ वन ऑफ द सिचुएशन इन विच द चाइल्ड इज़ कन्फ्रंटेड इन अ डिफ़िकल्ट वे बात वो चीज़ क्लियर नहीं होती कि किस वजह से ऐसा हो रहा है किस वजह से वो अपसेट्स हैं अपसेट्स इन बिहेवियर या द चाइल्ड इज़ स्ट्रगलिंग फॉर दैट उससे वो बचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बच नहीं पाता बिकॉज दैट सिचुएशन इज़ स्ट्रेसफुल उसमें uh, ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही जो उसकी एक्सपेक्टेशं uh, हैं वो पूरी नहीं हो रही उसके रास्ते में कुछ ऐसी हर्डल्स uh, हैं जो uh, उसको ऐसा करने से रोक रही हैं वो हर्डल्स क्या हैं वो, वो बहुत ऐसी माइनर सी चीज़ें होती हैं जो उसको परेशान करती हैं या बच्चे में एक टेंडेंसी होती है कि वो छोटी छोटी बातों से दूसरे लोगों के बच्चों के कमेंट से गाट कन्फ्रंटेड विद वो अपनी एनर्जी को लूज करता है तो ऐसी सिचुएशन स्कूल में हो सकती है ऐसी सिचुएशन घर में हो सकती है अपने क्लासरूम के अंदर हो सकती है किसी की वजह से भी टीचर के किसी एक कमेंट की वजह से हो सकती है किसी एक फ्रेंड के कमेंट की वजह से हो सकती है तो हमें ए, उसको देखना है कि वट सॉट ऑफ द थिंग इज गोइंग ऑन विद इन द चाइल्ड पर्सनैलिटी जिसकी वजह से वो आ, अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा है या एक अपसेट की सिचुएशन में वो मौजूद है यानी एक ऐसी चीज़ है आर नॉट गोइंग वेल विद द चाइल्ड विद इंडिविजुअल्स बच्चे उसमें खुश नहीं है ना खुश बच्चा जो है ना वो नजर आ रहा है और उसमें यह है कि वो अपने मिजाज पे थोड़ा सा उसको गिरा गुजर रहा है मुश्किल है उसके लिए वो उसकी वजह से रिफ्लेक्शन उसका प्लेजेंट नहीं है अनप्लेजेंट सा उसका रिस्पॉन्स है और उसको काम करने में दिक्कत महसूस हो रही है तो ये वो ऐसी सिचुएशन है जिससे भारत बच्चे को हमें समझना है और उसकी हेल्प करनी है और उसमें हम ये भी आ, देख सकते हैं कि इसकी सूरतें हो सकती हैं और बाजूका ये सूरतें क्लियर होती हैं बाजें या बच्चे को खुद क्लियर नहीं होता कि पाठ है जैपन तो बाज़ात ये है कि कहीं और कोई ऐसी चीज़ हो रही होती है जिसकी वजह से दाट कन्फ्रंटेड विद या कुछ सिमिलर चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो वो पूरी नहीं हो पा रही होती जिसकी वजह से द चाइल्ड इज़ कन्फ्रंट विद एंड अन टू बी हैप्पी एज द रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग दफ़ दैट सिचुएशन और उसमें यह है कि हम अपनी कोई ऐसी एक अप्रोच जो है ना वो हम डिज़ाइन कर लें कि किस तरह से हम बच्चे को जज uh, करें असल में होता यह है कि द चाइल्ड इज फुल ऑफ इमोशन्स विद अप्स एंड डाउंस बाद वो एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है बाद यह है कि वो उसको एक्साइटमेंट उस तरह से नहीं होती तो वो गाट कन्फ्रंटेड विद द डिफ़िकल्ट सिचुएशन यानी इमोशनली वो अपसेट फील uh, करता है और uh, हम इसको नज़र में रखें कि बच्चे फील करते हैं इंसल्ट को फील करते हैं लफ्ज़ों से असरअंदाज होते हैं और दूसरों के एक्शन से असरअंदाज होते हैं कुछ ऐसी महरूमियाँ हैं डिप्रीवेशनस हैं जब वो उनको ज़्यादा एहसास होता है तो वो उसकी वजह से दे आठ कन्फ्रंटेड और फिर यह है कि बाजार उनकी जो जाती ख्वाहिशात हैं और या वाकयात रूनमा हो रहे हैं उनके इर्द गिर्द उनके देखने से या फिर आजकल मीडिया है जो बहुत कुछ पिकारा होता है उसमें किसी ड्रामा में किसी इस तरह की स्टोरी में पढ़ने में देखने में सुनने में कोई बात उसके जहन में आती है बिकॉज दे लिसन और बात विद फुल कॉन्सन्ट्रेशन तो वो उस बात को अपने जहन में फिर प्रोसेस करते हैं फिर उसको रिलेट करते हैं अपनी मालूमियों के साथ दे गाट कॉन्फ्रंटेड विद सिचुएशन अब सूरत हाल ये है कि हमें आ, उसकी वजह मालूम करनी है कि क्या वो स्टोरी सुनने से ऐसा हुआ है या किसी दोस्त ने ऐसा कोई कमेंट पास किया है तो ऐसे अव्वल तो यह है कि द टीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल आट द क्लास रूम सिचुएशन इन विच ही गाट कन्फ्रंटेड विद एंड गाट फ्रस्ट्रेटेड तो ऐसी सूरत में हम उसको ट्रिगर करें और उसको जज करें कि कौन सी बात है जिसको हम रोक सकते हैं हम उसकी ज़रूर हेल्प करें सम टाइम पेरेंट्स ही कम्पेरिज़न कर रहे होते हैं वो फलां को देखो वो बेहतर हो गया उसने ये अचीवमेंट हासिल कर ली तुम नहीं कर सके तो ऐसा कम्पेरिज़न जो है ना बात बच्चे के लिए फ्रस्ट्रेशन uh, का बायस होता है तो हमें मोहतात रहना है हमें जज करना है कि तो वी बी अवॉइड बट इशनल कंपैरिजन विद अदर्स और उसमें uh, एक कंस्ट्रक्टिव रेस्पॉन्स जो है ना वो uh, भर उनको बच्चों को मॉडल uh, करना चाहिए कि देखो इसने आपके ही वॉज फैलो ही हैज़ डन वेल ओके यू वो आपका साथी है उसने अच्छा परफॉर्म किया है यू ऑल्सो कैन तो बहुत बड़ा कंपैरिजन करने की बजाय छोटे छोटे कंपैरिजन उसके पैरेलल कंपैरिजन उसके अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कंपैरिजन पहले आप इस तरह से कर रहे थे और आप देखो थोड़ा सा इसमें फ़र्क पड़ गया है आप अच्छे हैं आप ऐसा कर सकते हैं उसकी अपनी पर्सनैलिटी के साथ जो कंपैरिजन है आप पहले ये एक्टिविटी कर रहे थे आपके लिए तो मुश्किल नहीं है यू हैव परफॉर्म्ड इट यू कंटिन्यू इट इस तरह करके हम उसके उसके अपने कंपैरिजन जो जिसको वो पहले से कर चुका है और उसने सिर्फ इग्नोर किया है ड्यू टू द लैक ऑफ कंसंट्रेशन या लैक ऑफ ओवर डायरेक्शन तो हम कंस्ट्रक्टिव जो है ना वो रिस्पॉन्स uh, की तरफ उसको ले हैं और uh, फिर यह है कि वेलीडेट बिड फीलिंग्स हम उसकी बड़ी बड़ी जो ख्वाहिशात हैं जो वो उसकी खुशियाँ हैं उसमें ज़रूर उसको वैलिडेट करें ज़रूर उसके साथ शरीक हों या उसकी बाकी जो फीलिंग्स हैं बैड कॉन्सिक्वेंसेज या फिर यह है कि परेशानी के आलम में जो बातें होती हैं उसमें अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम ज़रूर उसके साथ उसको महसूस कराएँ कि यस वी आर फीलिंग ए सैड उसमें बच्चे की जो स्ट्रेंथ हैं उसको हम एक्सेप्ट करें और उसको रिकग्नाइज़ करवाएं कि दिस वन इज़ यूर स्ट्रेंथ यू आर एक्सेप्टिंग यू आर डूइंग वेल और उसके अंदर एक जो रिजिलियंस पावर है टू रिफ्लेक्ट टू वर्ड्स द डिफ़िकल्ट सिचुएशन उसमें कैसे अपने आप को बरकरार रखना आप तो ज़रूरतमंद हैं आपके अंदर तो बड़ी सलाहियतें हैं आपके लिए तो ये मसला ही नहीं है आपके लिए तो इस तरह की बात का असर लेना कोई माने नहीं रखता आप बोल्ड हो आप ब्रेव हो आप आ, बहुत यानी यू हैव गुड लीडरशिप ट्रेड्स एंड कैरेक्टर तो इस तरह के अल्फाज, इस तरह की सिचुएशन में उसकी हेल्प करना उसके बिहेवियर को बूस्ट अप करना दैट इज़ वेरी नेसेसरी थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद